जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा। आज 18 अक्टूबर 2020 शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, जिसे हम द्वितीया भी कहते हैं। आज का दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म यानी तप और चारिणी यानी आचरण करने वाली। तप का आचरण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी। माता के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू, इस तरह से उनका ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य ऐसा स्वरूप है। ये तो हुई माता के आभा की बात, तो चलिए जानते हैं अब हम। पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और इन्हें नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के नीचे घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाए, जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माता ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। भगवान शिव जी से आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माता ब्रह्मचारिणी अपने घर की ओर प्रस्थान किया। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जातक की कुंडली में से मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की। तो आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही जानकारियों के वीडियो में आपके लिए लाती रहूं। और लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय श्री कृष्ण।